सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा, समधि का मतलब होता है यही, एक दूसरे को आप अच्छी तरह से समझो महाराज, एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखो कि इसका दुख मेरा दुख है, मेरा दुख इसका दुख है। अगर मैंने लड़की वाले को इतना दबा दिया दिखावे के चक्कर में कि जिंदगी में बेचारा बड़ी मुश्किल से उठ पाएगा, तो वो दुख मेरा ही है। लोगों का क्या ध्येय रहता है, मरे तो मरे, मुझे क्या है। हा? एक लड़की वाले लड़के वाले आपस में लड़ रहे थे। लड़की वाला बोल रहा था, साहब अभी इतना ही बना, बाद में दे दूंगा। लड़के वाला बोला, नहीं नहीं पहले पूरे रखो, नहीं मेरा छोरा उठ जाएगा, दूल्हा उठ जाएगा, नहीं बैठेगा फेरों में। वो हाथ जोड़ रहा था, एक महात्मा जाकर के बोले, अरे भाई तुझे समधि का अर्थ पता है क्या? तो लड़के वाला बोला, मुझे समधि के अर्थ से मतलब नहीं है। तो फिर बोले, मैं तो अर्थ के लिए समधि बनाऊं, समधि के अर्थ से मुझे क्या लेना देना, अगर अर्थ है तो समधि, नहीं मैं काई का समधि, मैं तो अर्थ के लिए समधि बनाऊं। तो भैया जो अर्थ के लिए समधि बनते हैं वो व्यर्थ है। ध्यान दीजिएगा, समधि बनना हो तो अर्थ के लिए मत बनो, हाँ समधि के अर्थ को समझने के लिए समधि बनो। दही चिवरा जैसे एक हो जाते हैं, पता नहीं चलता महाराज, ऐसे लड़की और लड़के वाले दोनों एक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बेटी पिता की आत्मा होती है, उस पिता को परेशान करके तुम बहू को लेके आओगे, वो बहू तुम्हारी जिंदगी में सेवा नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेगी, पर उसे अपने घर की एक एक बात पता है कि तुमने कितना परेशान किया है इसको, तुम्हारी सेवा नहीं करेगी वो। इसलिए सजनों, जीती जागती लक्ष्मी का सम्मान करना सीखिए, नश्वर लक्ष्मी के चक्कर में जीती जागती लक्ष्मी का अपमान मत करिए। आज दहेज प्रथा नहीं बदली है, दहेज लेने के तरीके बदल गए हैं, बस वो हैं सारे तरीके अभी भी। अगर बेटा कुछ बन गया हमारा, तो दहेज लेने के तरीके बदल गए हैं, दहेज प्रथा आज भी है, बदली नहीं है।